जय भीम साथियों, जय भीम, जय भीम, चंद्रशेखर आजाद को रिहा करो, चंद्रशेखर आजाद को रिहा करो। साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज की सभा के जो मुख्य अतिथि है आदरणीय अंबेडकर साहब, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद ने एक संदेश भेजा है जो मैं आपको बताने आया हूं। साथियों, कुछ लोग यहां पर गड़बड़ करना चाहते हैं, मैं उनके मत के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप नौजवान की आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं, आप चंद्रशेखर आजाद की आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। और हमारे नौजवान साथी जो समाज के लिए पिछले 10 साल से जेल के अंदर, सलाखों के अंदर है, साथियों चंद्रशेखर आजाद ने बोला है कि प्रकाश साहब अम्बेडकर को बधाई देना, धन्यवाद देना कि उन्होंने महाराष्ट्र आकर दिल्ली की भूमि पर मेरे लिए आवाज उठाने का काम किया है, उनको धन्यवाद देना। और संतोष रंजन गर्ग बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं साथियों, मेरे जैसे लोग समता सैनी दल से निकलते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट हो तो समता सैनी दल का प्रोडक्ट हो। आर के जोशी जी बैठे हुए हैं, उमेश सिंह गौतम बैठे हुए हैं, जाटव साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली की क्रीम बैठी हुई है। साथियों, अगर नौजवान साथियों को आप लोग आशीर्वाद दोगे तो चंद्रशेखर आजाद एक नहीं होगा देश के अंदर, हर गली के अंदर चंद्रशेखर आजाद होगा, चंद्रशेखर आजाद होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजनेता सिर्फ राजनीति करते हैं, चंद्रशेखर आजाद ने बोला है कि अगर समाज की आवाज नहीं उठाई तो उनकी कुर्सी निकाल देंगे नीचे से, उनको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। साथियों, कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। जो समाज की बात करेगा, जो बहन बेटियों की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा, नहीं तो कोई राज करने वाला नहीं है। साथियों, हमारे बीच में बैठे हैं माननीय अम्बेडकर साहब बैठे हुए हैं। अरे, हमने तो बचपन से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो सुना था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैठे हुए हैं, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैठे हुए हैं। साथियों, आदरणीय केपी चौधरी भी है यहाँ पर जो संचालन कर रहे हैं, दिलोजान से प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए काम किया है। मीडिया बंधु भी है, मनोज अंतानी जी खड़े हुए हैं, मृत जी खड़े हुए हैं और हजारों लोग दूर दूर से लोग आए हैं। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने बोला है, सारे लोग मीडिया वाले हैं, जितने भी लोग मीडिया है, अरे मीडिया वाले जितने भी लोग हैं, साथियों आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है। मैं एक्चुअली मैं मीडिया के नाम नहीं जानता हूँ, सारे मीडिया वालों को बात करो, दो अंत में दो बात क्या, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों, जो मेन बात है मैं बताना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप आपका नाम बताओ, क्या नाम? नहीं, मैं नहीं बताना चाहता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सारे मीडिया वालों का शुक्रिया। राजकुमार गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया बंधु धन्यवाद। साथियों, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं चंद्रशेखर आजादी की बात, जैसे आज प्रोग्राम है संविधान को बचाओ, चंद्रशेखर को बचाओ, दलीप सरोज का बताओ, इतने सारे प्रोग्राम है। मैं सिर्फ सहारनपुर की घटना की थोड़ी बात बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर आजाद के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है अभिनंदन सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि आप जाना चंद्रशेखर की आवाज को उठाना। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर की आवाज को उठाने के लिए हमें घर घर में जाना है, बताना है कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जेल में क्यों रख रखा है, क्योंकि कोई नौजवान साथी उनकी आंख में आंख डालकर बोलता है कि अब मैं जुर्म नहीं चाहूंगा, बहन बेटियों की इज्जत को नहीं लुटने दूंगा, तो वो चंद्रशेखर जैसे आदमी को जेल में भिजवाने का काम करते हैं। साथियों, आप लोग तैयार हो जाओ, आपका वक्त हो गया, ठीक है, आप मेरा वक्त हो गया। साथियों, जय भीम, जय भारत। एक शब्द, एक बात में एक बोलूंगा, मैं शेर, उसके बाद मैं बात करूंगा। साथियों, पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए, ठीक है, पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है, चंद्रशेखर की कोशिश है, अम्बेडकर जी की कोशिश है कि समाज की, देश की सूरत बदलनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। साथियों,